हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आइल ऑफ मैन मास्टर्स टूर्नामेंट के फोर्थ राउंड की है। और फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी भारत के विदित संतोष गुजराती और रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में। और जहां तक मेरा अंदाज़ा है, इन दोनों के बीच में खेली गई ये पहली गेम है। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान विदित की रेटिंग 2711 है और वहीं रमेश बाबू की रेटिंग 2519। ये फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की विदित ने d4 के साथ, तो प्रज्ञानंद ने किया नाइट f6 c4 देन e6 नाइट f3 d5 g3 बिशप b4 चेक, तो इसका डिफेंस बिशप d2। और देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद ब्लैक यहाँ बिशप एक्सचेंज करना चाहता होगा, लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ किया बिशप d6 नाइट c3 c6 देन क्वीन c2 नाइट एट बी गोज टू d7 e4। और फ्रेंड्स, यहाँ ये e4 मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लैक ने यहाँ किया नाइट टेक्स e4 नाइट टेक्स e4 देन d टेक्स e4 क्वीन टेक्स e4। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेटीरियल एक्सचेंज था ये। c5 तो बिशप c3 नाइट f6 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन e2 b6। और अब जाकर यहाँ विदित ने किया बिशप g2 और रुक पर अटैक लगाने की तैयारी की, तो ब्लैक का नेचुरल मूव बिशप b7 देन d5 क्वीन e7 ताकि यहाँ इस e6 पॉन की पिन खत्म हो सके। लेकिन विदित को यहाँ ब्लैक की गेम में कमज़ोरी ढूंढने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ किया d टेक्स e6 और अब अगर ब्लैक चाहे कुछ भी करे, अगर वो यहाँ करता है f टेक्स e6 तो भी ई फाइल में ब्लैक का एक आइसोलेटेड पॉन क्रिएट हो जाता है। और अगर यहाँ ये गेम आगे बढ़ती है तो इसके बाद दोनों साइड्स कैसल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था क्वीन टेक्स ई सिक्स चेक f टेक्स ई सिक्स और फाइनली यहाँ ब्लैक का ई पॉन आइसोलेटेड हो ही चुका है। इसके बाद यहाँ विदित ने कैसल किया और मेरे ख्याल से यहाँ ब्लैक को भी कैसल कर लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया बिशप टेक्स एफ थ्री रुक पर अटैक, तो रुक d8 रुक एट एफ गोज टू e1 e6 पॉन पर अटैक, तो किंग f7 रुक e3। वाइट की प्लानिंग यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने रुक की यहाँ बैटरी तैयार करने वाला है। रुक एट एच गोज टू e8 रुक एट ए गोज टू e1 बिशप c7 देन h4 रुक e7 किंग g2। फ्रेंड्स, यहाँ इस e7 रुक पर ब्लैक की गेम थोड़ी वीक है। अगर किसी तरह से वाइट इस e6 पॉन को इस e फाइल से कहीं डिफ्लेक्ट करवा दे तो वाइट बड़े ही आराम से ब्लैक के इस रुक को ले सकता है। यहाँ ब्लैक ने किया h6, तो वाइट ने यहाँ पहले किया bishop takes f6। और अब यहाँ ये मेटीरियल एक्शंस ब्लैक को किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए। अगर वो यहाँ करता है king takes f6 तो मेरे ख्याल से ये गेम ब्लैक के लिए थोड़ी भारी होगी। वाइट यहाँ कर सकता है bishop d5, वो यहाँ इस e6 पॉन के पिन होने का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था g takes f6 और विदित को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई सिंपली इस e6 पॉन को लेने की। उन्होंने यहाँ किया bishop h5 चेक देन king f8 rook takes e6 rook takes e6 rook takes e6 f6 पॉन पर अटैक, तो bishop e5 b3 rook d7 देन f4 बिशप पर अटैक, तो bishop c3 king f3 king g7 king g4 rook d3। फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से अगर ब्लैक अपने रुक को d2 स्क्वायर पर ले जाए तो ब्लैक के लिए कोई बहुत अच्छा मूव नहीं होने वाला। यहाँ विदित पहले करेंगे rook e7 चेक, तो king g8 rook takes a7 और यहाँ वाइट का डिफेंस अपने इस a2 पॉन पर होगा। तो इसीलिए यहाँ प्रज्ञानंद ने किया rook d3। उन्होंने यहाँ इस g3 पॉन पर कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश की। और अब अगर यहाँ वाइट करे king f7, सपोज़ वो अपने किंग को ब्लैक की किंग की तरफ लेकर चले, तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा rook takes g3, लेकिन इसके बाद rook e7 चेक, king g8 rook takes a7 और इस तरह यहाँ मेटीरियल वाइज ये गेम इक्वल चलेगी, लेकिन ब्लैक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से विदित ने किया था rook e7 चेक, तो king f8 और अब क्या यहाँ ब्लैक का ये a7 पॉन लिया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल लिया जा सकता है। ब्लैक यहाँ कर सकता है rook takes a7 और ये गेम कुछ इसी तरह से ही आगे भी बढ़ी थी।
ब्लैक अब यहाँ क्या करेगा, वो मैक्सिमम एक चेक दे सकता है, f5 चेक, किंग टेक्स f5, रुक टेक्स g3, ताकि एंड गेम के लिए दोनों खिलाड़ी अपने मटेरियल को इक्वल रख सके। रुक f7 चेक, किंग g8, रुक b7, b6 पॉन पर अटैक होगा। लेकिन यहाँ वाइट ने किया था रुक e8 चेक, किंग g7, रुक e7 चेक, और दिखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए एग्री ना कर जाएं, क्योंकि ये टू फोल्ड रेपिटिशंस विदित ने यहाँ कर लिए हैं, किंग f8, और अब कहीं जाकर वाइट ने इस a7 पॉन को लिया, रुक टेक्स a7, बिशप e1 g3 पॉन पर प्रेशर, तो रुक f7 चेक, किंग g8, रुक टेक्स f6, रुक टेक्स g3 चेक, किंग f5, रुक h3, s3 पॉन पर अटैक, रुक टेक्स b6, रुक टेक्स h4, रुक टेक्स h6। और फ्रेंड्स यहाँ एंड गेम में देखते ही देखते विदित ने ब्लैक का कोई भी पॉन नहीं छोड़ा है। यहाँ वाइट 3 पॉन्स की लीड पर है, और अब चाहे कुछ भी हो ब्लैक इस गेम को नहीं डिफेंड कर सकता। प्रज्ञानंद ने यहाँ किया रुक टेक्स f4 चेक, किंग टेक्स f4, बिशप d2 चेक। ठीक है, ब्लैक ने यहाँ एक पॉन जीत लिया है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, अब काफ़ी देर हो चुकी है। किंग e4, बिशप टेक्स h6 एंड फाइनली किंग d5, और यहाँ इस मूव के बाद रमेश बाबू ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब इस गेम को आगे बढ़ाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। यहाँ ब्लैक इस क्लियर पासर को किस तरह से रोक पाएगा, कोई भी तरीका नहीं होगा। फ्रेंड्स ये गेम जिस तरह से खेली गई, वो गेम काफ़ी हद तक मेरे जैसे खिलाड़ी खेलते हैं, बहुत छोटे छोटे एडवांटेजेस वे पूरी गेम में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एंड गेम में उन छोटे छोटे एडवांटेजेस की काफ़ी बड़ी लीड बनाकर गेम को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसा कि यहाँ इस गेम में भी हुआ। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।